मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात चली। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम कमलनाथ ने कहा कि ये केवल सौजन्य भेंट थी। सरकार के कामकाज के साथ ही प्रदेश की चुनौतियों को लेकर उनके साथ चर्चा की है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि राज्यपाल को शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में होने वाले कामों की जानकारी दी गई है। सीएम कमलनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार की चल रही अटकलों को फिर खारिज किया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से इस विषय में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। इनफॉर्मल मुलाकात रही, ऐसी कोई बात नहीं थी कि पहली दफे राज्यपाल से मैं मुलाकात कर रहा हूँ। शपथ ग्रहण में तो मैं था ही, पर इस दफा मैंने सोचा प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या हमारी चुनौतियाँ हैं, शिक्षा क्षेत्र में हमें क्या करना है, शिक्षा क्षेत्र में कैसे सुधार लाना है, ये सब चर्चा है। आगामी प्लानिंग की भी जानकारी दी गई। आगामी कोई प्लानिंग तो ऐसी उनसे चर्चा नहीं हुई। एक खबर जरूर है सर कि कुछ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो चर्चा नहीं है, इस प्रकार की कोई बातचीत है। तो नए राज्यपाल है लालजी टंडन मध्य प्रदेश के। परसों ही उनकी नियुक्ति की गई है, परसों इन्होंने पदभार ग्रहण किया। राजभवन में जाकर के राज्यपाल से मुलाकात की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसे में इस मुलाकात के मायने भी कुछ इसी नजरिए से लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे सौजन्य भेंट बताया। कामकाज और प्रदेश की चुनौतियों को लेकर चर्चा की है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल लालजी टंडन से सौजन्य भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ राजभवन पहुंचे। उन्होंने सौजन्य भेंट इस पूरी मुलाकात को बताया। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको भोपाल, जहां हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुधीर, राजभवन जाकर ये सौजन्य भेंट या फिर कुछ और अटकलें लगाई जा रही? चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से। फिलहाल संपर्क उनसे कट गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि सौजन्य भेंट थी। हालांकि अटकलें लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है मध्य प्रदेश में। जो सियासी तूफान इन दिनों पिछले दिनों देखने को मिला है, ऐसे में मध्य प्रदेश में सत्ता बनाए रखने के लिए कांग्रेस की जुगत लगातार जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि बयानबाजी से अब बीजेपी के नेता बसते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंचे सीएम कमलनाथ। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही है, हालांकि सौजन्य भेंट मुख्यमंत्री ने इसे बताया। सुधीर से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुधीर, राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। हालांकि सौजन्य भेंट बताया, लेकिन अटकलें क्या लगाई जा रही हैं? बिल्कुल तृप्ति, देखिए काफ़ी चर्चा है इस मुलाकात को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो नए राज्यपाल की नियुक्ति के बाद में प्रदेश के कामकाज को लेकर चर्चा की गई है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। पर लेकिन कई सारे ऐसे घटनाक्रम मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए हैं, जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि राज्यपाल से मुख्यमंत्री कमलनाथ की चर्चा हुई है। क्योंकि कार्यक्रम जिस तरीके से तय था, उसमें जब शपथ ग्रहण हुआ था तो उस समय ज़्यादा वक्त बातचीत का नहीं मिला था मुख्यमंत्री को, और ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में लंबे समय से, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो या प्रदेश में जो प्रशासनिक जो एक जो हलचल चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्यपाल को पूरी जानकारी दी गई है। ये भी इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि जो बैठक है उसमें पिछले दिनों बीजेपी के दो विधायक जिस तरीके से कांग्रेस का साथ देके गए थे, उस घटनाक्रम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो यानी कि कहना होगा कि अटकलें तमाम तरीके की लगाई जा रही है इस मुलाकात को लेकर। मुख्यमंत्री ने यह जरूर स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह मुलाकात नहीं है, पर प्रदेश के कामकाज को लेकर, प्रदेश में जो घटनाक्रम लगातार चल रहे हैं उन तमाम बिंदुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। और पूरे घटनाक्रम से लेकर जो सरकारी तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है और सरकार
कि क्या कुछ काम अभी जो चल रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर राज्यपाल लालजी टंडन से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुलाकात की है। तृप्ति बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। तो मुद्दे हैं कुछ।